हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड, टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, लियो का निकाल रही है नवंबर दिसंबर, कैसा क्या रहने वाला है आपके लाइफ में और क्या बदलाव होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, है ना, कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में। मैरिज जिस भी पर्पज़ से आप वीडियो देख रहे हो, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे, सॉल्यूशंस आते हैं इसमें। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या हो रहा है आपके लाइफ में और क्या चेंजेस होंगे। ऐसा लग रहा है लियो, किसी दो राह पर आप खड़े हो, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ सोच रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है। इनकेस किसी तरह का, किसी भी तरह का, किसी लेडीज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ तो ऐसा चल रहा है आपके लाइफ में, उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि वो प्रॉब्लम जो भी आपका चल रहा है, वो सॉल्यूशन उसका निकलने वाला है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फाइनेंशियली अगर कहीं आप कुछ स्टक थे या लोन का कोई इश्यूज चल रहा था, तो लोन रीपे करोगे आप। लोन कुछ अगर अटक रहा था, कहीं कुछ ऐसा है, देने वाले बन जाओगे, इस टाइप का मुझे लग रहा है। या फाइनेंशियली कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। लास्ट 6 मंथ से जो परेशान हो रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो उनके लिए स्पेशली बोलूँगी कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। कोई भी ऐसा इंसान है जो आपका जानने में है, पुराना कोई संगी साथी दोस्त या पुराना कोई ऐसा कोई रिश्तेदार है जो आपका कोई जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम था आपके लाइफ में जो मन ही मन आप रख रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वैसी चीज़ें उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि 2 से 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मैंने वो बताया नवंबर दिसंबर, तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर मैरिज को कोई इशूज़ है, तो अगर किसी का वेट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वेट ख़त्म हो रही है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, तो वेट आपका ख़त्म हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको लेने के लिए आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कोई अगर स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई अप्लाई कर रहे थे, नहीं हो रहा था इनका उनका, तो मुझे लग रहा है अगर एग्ज़ाम दिया है या तैयारी कर रहे हो, तो विद इन 6 मंथ आपका होने वाला है। लास्ट 9 मंथ से बहुत परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो उनके लिए स्पेशली बोलूँगी कि देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कर्म आज आपके साथ हैं। ठीक है, जैसा कर्म क्या है, अब वही फल मिलने वाला है लियो आपके लाइफ में, और आपका कर्माज अब फलित होने वाला है। और आप परेशान हो रहे थे, मेहनत ही बहुत है, मेहनत बहुत करते हो, देखो स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया, अंदर से मजबूत भी बहुत हो, बट परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, ये भी चलता है आपके लाइफ में, बट वो सारी चीज़ें नवंबर दिसंबर में। कोई ऐसा है, देखो बहुत आ रहा है आपका, कुछ शनि का कुछ ग्रह चल रहा है, शनिदेव का, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और कोई ऐसा लेडी है जो आपके लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रूल रेगुलेशंस आपका, या हो सकता है कोई बॉस हो या फैमिली मेम्बर हो या कोई कुछ, जो अड़चने आपको लग जा रही हैं, लगा रही हैं, यानी कि ये नहीं करो, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस ऐसा आपके लाइफ में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, चाहे कोई भी हो सकता है वो, और कोई लेडी है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, इनकेस किसी के लाइफ में कुछ अड़चन आ रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं मैरिज को लेके, तो क्या मैरिज होगी? डिसीजंस आपका जो भी है फैमिली वाला, वो जो आपका, जैसे मैं, अगर आप गर्ल हो, बॉय के फैमिली के बारे में सोच सकते हो, बॉय हैं गर्ल के फैमिली के बारे में। मैंने ये कहा कि अगर आपके यानी मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो ये वीडियो और मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली वाला आपका जो है, आपका फैमिली मान जा रहा है तो उसका फैमिली नहीं मान रहा, उनका फैमिली मान जा रहा है तो आपका फैमिली नहीं मान रहा, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में। बट नो डाउट स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए अभी आप, और कुछ समय में आपका कुछ जजमेंट का, देखो जजमेंट का आ रहा है कुछ, अगर किसी भी तरह का आपका कोई केस चल रहा था, या क्योंकि जनरल रीडिंग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सब तरह के कार्ड्स आते हैं और सब एज ग्रुप के लिए भी बनाती हूँ मैं। यंगर्स हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उन गवर्नमेंट सर्विस का, और मेहनत कर रहे हो अगर आप तो, और 2-3 बार आपने दिया उस एग्ज़ाम को और नहीं हुआ है, तो इस बार होने के चांसेस हैं। ठीक है, और मैं कहूँगी जो 35+ हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरे लाइफ में, ऐसा लग रहा है। इनकेस कोई एज हो गया है, मैरिज नहीं हो रही थी, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी बातचीत कहीं चल रही है, बनती है बिगड़ती है ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। ठीक है, और किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इतना स्ट्रगल आप देख रहे हो, और वो क्यों देख रहे हो जान रहे हो, आपके ऊपर डेविल एनर्जी का आ रहा है।
कुछ नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द घूम रही है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। आप नमक के पानी में, नमक ट्यूसडे ट्यूसडे पानी में डाल के स्नान करें। सेंधा नमक हो सकता है वो, या समुद्री नमक हो सकते हैं। एक चुटकी बॉटल में भर के रख लिया करें बाथरूम में, ट्यूसडे ज़रूर नहाया करें पानी में डाल के, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। चिड़चिड़ापन सा लग रहा है मुझे आपको लग रहा है कार्ड्स देख के कि आप लोग चिड़चिड़ापन हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हो, काम नहीं बन पा रहा है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ इसलिए परेशान। लास्ट 6 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। और जो मैरिज जिनकी हो चुकी है या होने वाली है जिसके अपने पार्टनर के साथ, और उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि आपका पार्टनर आपको बहुत साथ देने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। आपका पार्टनर लियो, आपके पार्टनर बहुत साथ देगा, किसी भी कंडीशन में रहेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं और बहुत प्यार करने वाला है। अभी तक हैंग्ड हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं, बहुत स्टक थे अभी तक, तो उससे बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे आप। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, गॉड पे बिलीव रखें, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए गॉड की तरफ से कार्ड देखते हैं कि क्या वो कह रही है, क्या संदेश आ रहा है आपका इंडियन टैरो से, क्या संदेश आ रहा है आपके लिए। हाय प्रिस्टस, पार्वती का कार्ड आया है। माँ पार्वती आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो सोच रहे थे आपके क्या होगा क्या नहीं, तो माँ पार्वती, आप अगर शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो उनकी तरफ से देखो आ गया है ना, मैंने कहा ना, द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। और बिल्कुल महारानी का कार्ड आ गया है, कंप्लीशन। अब आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा था वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है, बस ये सॉल्यूशन मैं कह रही हूँ। अगर शिव जी की पूजा कर रहे हो और शिव पार्वती की पूजा कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन ख़त्म होने वाला है प्रॉब्लम आपका, नवंबर दिसंबर तक में तो ज़रूर हो जाना चाहिए। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं आपका क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ग्रैटिट्यूड, आप किसी को ग्रैटिट्यूड भी दे गए। और चलिए कार्ड्स देखते हैं, मिरेकल, कुछ मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में नवंबर दिसंबर में। अगर आप गॉड की पूजा कर रहे थे, और बहुत काम का प्रेशर है आपकी लाइफ में, बहुत काम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, इम्पेशेंस हो जाते हो कि क्या होगा क्या नहीं मेरे जीवन में, है ना, तो परेशान ना हो, स्टक तो है आपका लाइफ, एक स्टेप लें। बिटर स्वीट जीवन में बहुत कटु सत्य जीवन में देखा है, सच्चाई यानी कि बहुत आपके साथ ना बहुत झूठा झूठ सच का कुछ हुआ है कहानी, झूठ सच का कहानी जो होता है ना, झूठा आरोप लगा देना, किसी तरह का कुछ हुआ है। सर भी सब बहुत दिल से बहुत साफ हो, बहुत सारी बातें हो रही हैं अभी मन में, बहुत ज़्यादा चल रहा है आपका, मतलब इनलाइटमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि मिरेकल होने वाला है, जो इनसिक्योर फील कर रहे हो क्या होगा जीवन में, है ना, आगे के लिए कैसा क्या रहेगा, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, बहुत स्टक हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी परेशान ना हो। नवंबर दिसंबर में कुछ मिरेकल होगा आपके लाइफ में और कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव भी होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है। देखो मिरेकल का कार्ड आया तो मिरेकल तो ज़रूर होगा आपके लाइफ में, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड आया, किसी तरह का आपका लाइफ में कुछ केस चल रहा था या कुछ ऐसा हो रहा था तो जजमेंट हो रही है आपकी लाइफ की, ठीक है। गॉड जो है आप पे नज़र बनाए हुए हैं, वो पूरी तरह से आपको साथ देंगे ही देंगे, बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा है और मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल खुश रहें, हैप्पी रहें, पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, तब किसी और का भी भला हो फ्रेंड्स। थैंक यू।